नमस्कार इंदौर, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 19 जून रविवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राज्ञा। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। एक और अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। ऐसे में इंदौर में रविवार को भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता ले रहे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के अग्निवीरों पर दिए एक बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक पार्टियां जहां इसे लेकर बीजेपी को घेर रही हैं, वहीं यूजर्स भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि यदि मुझे बीजेपी दफ्तर में सिक्योरिटी रहना है तो मैं अग्निवीरों को प्राथमिकता दूंगा। हालांकि जब विरोध तेज होने लगा तो विजयवर्गीय ने कहा, अग्निपथ योजना से निकले अग्निवीर निश्चित तौर पर प्रशिक्षित एवं कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध होंगे। सेना में सेवाकाल पूर्ण करने के बाद वह जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां उनकी उत्कृष्टता का उपयोग होगा। मेरा आशय स्पष्ट रूप से यही था। कैलाश ने कहा, टूलकिट से जुड़े लोग मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करके कर्मवीरों का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। यह देश के कर्मवीरों का अपमान होगा। राष्ट्रवीरों धर्मवीरों के खिलाफ इस टूलकिट गैंग के षड्यंत्र को देश भली भांति जानता है। खुद के पैसे से उसको ड्राइविंग सिखाई। फौजी पे लोगों को विश्वास है, यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे। और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद से असंतुष्टों ने विरोध का बिगुल बजा दिया है। नाराजगी का कारण यह है कि कई वार्डों में सामूहिक इस्तीफा देने के साथ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को बीजेपी कार्यालय के बाहर वार्ड 54 एवं 36 कार्यकर्ताओं ने बाहरी प्रत्याशियों का विरोध करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल भाजपा द्वारा जारी की गई 85 नामों वाली सूची में कई मौजूदा पार्षदों के टिकट काट दिए गए हैं, जिसके बाद से ही भाजपा के खेमे में विरोध के स्वर उठना शुरू हो गए हैं। रविवार सुबह 10 बजे भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता करने पहुंचे थे। वे अंदर मीडिया से असंतुष्टों और विरोधियों को मना लेने की बात कर रहे थे और बाहर वार्ड 54 और 36 के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। कार्यकर्ताओं का कहना था कि उनके क्षेत्र से स्थानीय व्यक्ति को ही टिकट दिया जाए। जो टिकट भाजपा ने दिए हैं वह ना तो क्षेत्र से ताल्लुक रखता है और ना ही क्षेत्र की जनता से। ऐसे में लोगों की सुनवाई कैसे होगी। पत्रकार वार्ता के बाद कार्यकर्ताओं की नारेबाजी से नाराज कैलाश विजयवर्गीय वहां से चले गए। इसके बाद दोनों वार्डों के कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए विधायक रमेश मेंदोला और चुनाव संचालक मधु वर्मा को बुलाना पड़ा। आपको बताते चले कि वार्ड 54 से भाजपा ने महेश बंसवाल को टिकट दिया है। वहीं वार्ड 36 से विधायक रमेश मेंदोला के कट्टर समर्थक पूर्व पार्षद सुरेश कुरवारे को टिकट दिया है। इन दोनों ही प्रत्याशियों का बाहरी होने के चलते कार्यकर्ता और वार्ड से टिकट के दावेदार विरोध कर रहे हैं। नहीं, क्या होता है, बहुत 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 कार्यकर्ता हैं, एक एक जगह चार चार पाँच पाँच कार्यकर्ता, अच्छे कार्यकर्ता हैं। अब उसी में से कहीं ना कहीं चयन करते हैं और वो चयन करते हैं तो निश्चित है कि वहाँ पर उसमें क्या होता है कि अपन कहीं ना कहीं मतलब इस तरह के जो होते हैं तो बैठ कर उसकी चर्चा करेंगे, समाधान ढूंढेंगे, है ना। वीडियोग्राफी के काम करने वाले एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि वह ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था, इसके कारण उस पर कर्ज हो गया था। इसी के चलते उसने मौत को गले लगा लिया। लसुड़िया पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। सब इंस्पेक्टर आरएस दंडोदिया ने बताया कि स्कीम नंबर 78 में रहने वाला 21 वर्षीय अमित पिता योगेश चौहान अपने ही घर में फांसी पर झूल गया। घटना के वक्त अमित की बड़ी बहन रिमझिम बाहर गई थी। जब वह लौटी तो अमित फंदे पर लटक रहा था। पड़ोसियों की मदद से उसे उतार कर वह अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि अमित पढ़ाई के साथ वीडियोग्राफी का काम भी करता था। प्राथमिक जांच में मृतक के ऑनलाइन गेम खेलने का आदी होने की जानकारी मिली है। गेम के कारण उस पर कर्ज हो गया था, जिसके चलते उसे किसी ने धमकी दी थी। मौके से पुलिस को कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। फिलहाल मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मेरा क्लोज फ्रेंड था, भाई से भी बढ़कर था। कारण अभी तक सामने नहीं आया है। परसों रात को मेरी बात हुई थी, मेरी सगाई थी तो मैं वहाँ से निकला था, तो मैंने मिलने का बोला था, बाकी मिल नहीं पाया, मेरा मोबाइल बंद हो गया था और यह साथ घर चले गया। उस टाइम सुसाइड नोट नहीं मिला जब हम घर गए थे, जब बस बॉडी मिली थी उसकी। मोबाइल अभी हमारे पास आया नहीं है।
अभी देखते आगे क्या होता है। अमित चौहान, पिता योगेश चौहान, उम्र 21 साल, निवासी बीएस 241, स्कीम नंबर 78 ने रात कल रात को 6:30 बजे अपने घर में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। सर क्या कारण सामने आया? कारण अभी कोई समझ में नहीं आया। मृतक वीडियोग्राफी का भी काम करता था, पढ़ाई भी कर रहा था। पुलिस के पास रविवार को एक संदेहास्पद मामला पहुंचा। यहां पहुंचे एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत की कि किसी अज्ञात हमलावर ने उसकी उंगली तलवार से हमला कर काट दी। हालांकि चोट लगने के बाद भी खून नहीं निकला। एलोड्रम पुलिस ने मामले को संदेहास्पद मानकर पड़ताल कर रही है। ऐसा ही लक्ष्मण सिंह ने बताया कि नई बांगरदा रोड पर रमेश सोनी रहते हैं। उन्होंने थाने आकर शिकायत की कि उनके घर के बाहर कुछ बच्चे झगड़ रहे थे। वे उन्हें समझाने गए तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके हाथ पर तलवार मार दी, जिससे उनकी उंगली में गहरा घाव हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसमें से खून नहीं निकला। इससे पुलिस चौंक गई और मामले को संदेहास्पद मानते हुए मौका स्थल पहुंची। यहां पूछने पर पता चला कि किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। मामले में सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, कहीं कुछ नहीं, वो आराम से घूम रहा, कहीं एक जरा सी खरोंच नहीं थी ना, उसको खून निकला हुआ था। और वो 4 घंटे बाद थाने पर आया और पहले गांधीनगर थाने गया, वहाँ उसने तस्दीक की, बोले घटना स्थली एरोड्रम थाने का। यहाँ आई, हमने भी तस्दीक की, वहाँ ऐसा कहीं आसपास में पूछताछ की तो बोले यहाँ किसी प्रकार का कोई झगड़ा वगड़ा भी नहीं हुआ ना, किस तरह की कोई फरियादी है, इसकी एफआईआर तो की है, बाकी इसकी सत्यता पर जाएगी कि इसको वास्तव में घटना क्या है। सिर पर टोपी और मुंह पर मास्क लगाकर चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले दो लुटेरों को विजयनगर पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। आरोपी हरदा से बाइक से इंदौर आते और वारदात कर फरार हो जाते थे। उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। टीआई रविंद्र गुर्जर ने बताया, आरोपी के नाम शिवम, पिता मालवीय गुर्जर, निवासी टीम रनी हरदा, और अरुण, पिता अनिल कैथवास, निवासी हरदा है। दोनों ने विजयनगर क्षेत्र में सोने की चेन और एक मंगलसूत्र लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। इसके अलावा एरोड्रम क्षेत्र में भी एक वारदात की थी। पकड़ने में आने और पहचान उजागर न हो, इसलिए वे सिर पर टोपी और मुंह पर मास्क लगाकर आते थे। इधर रिमांड पर पूछताछ के दौरान दोनों ने बताया कि अरुण बाइक चलाता था और शिवम पीछे बैठकर चेन और मंगलसूत्र लूटता था। आरोपी शिवम करीब 5 साल पहले पलासिया में लूट की वारदात में पकड़ा जा चुका है। दरअसल जांच में पता चला है कि आरोपी शिवम हरदा में शराब सप्लाई करने का काम करता था, लेकिन वह बंद हो गया तो उसने अपने साथी अरुण के साथ मिलकर इंदौर में वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। दो आरोपी जो पकड़े हैं, अरुण और शिवम, ये हरदा के रहने वाले हैं। और इन आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा हमारे यहाँ एक चैन लूट की घटना स्वीकार की है। उसी दिनांक को एक एरोड्रम पे भी इनके द्वारा चैन लूट की गई थी, वो घटना स्वीकार की है। और हमारे विजयनगर का एक पुराना मामला था जिसमें एक मंगलसूत्र की लूट की थी। ये तीनों घटनाओं का खुलासा किया गया है। पुलिस भले ही लोगों की सुरक्षा के लाख दावे करे, लेकिन हकीकत यह है कि खुद पुलिस ही सुरक्षित नहीं है। इसकी बांगी बीती रात देखने को मिली, जहां एडिशनल एसपी के भाई के घर को ही चोरों ने निशाना बनाया और सोने की चेन, अंगूठी व अन्य सामान लेकर चंपत हो गए। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को तलाश कर रही है। दरअसल भोपाल में एडिशनल एसपी के पद पर पदस्थ नीरज चौरसिया के भाई स्कीम नंबर 54 में अपने पत्नी के साथ रहते हैं। बीती रात दो बदमाश गेट कूदकर अंदर घुसे और घर में रखी सोने की चेन, अंगूठी और अन्य सामान ले गए। गेट के समीप लगे सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। विजयनगर थाना प्रभारी रविंद्र गुर्जर ने बताया, बदमाशों ने पहले क्षेत्र के एक मंदिर को निशाना बनाया था, लेकिन वहां की दान पेटी 2 दिन पहले ही खाली की गई थी, इसलिए वे ज्यादा कुछ नहीं ले जा सके। होली के आधार पर दोनों अपराधियों की तलाश की जा रही है और हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसमें कुछ क्लू मिले हैं, फुटेज आए हैं, तो शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी करेंगे। जो वरिष्ठ अधिकारी ने जो चोरी की घटना सामने आई है, उसमें कितने का माल गया वो जो चौरसिया फैमिली है उनके यहाँ एक चैन और कुछ और रिंग वगैरह बता रहे हैं, वो सामान जाना उनके द्वारा बताया, कैश कुछ नहीं बताया है। नहीं, ये उनके भाई पदस्थ हैं, मतलब भाई यहाँ रहते हैं, वो अधिकारी के यहाँ चोरी नहीं हुई है, उनके भाई के यहाँ चोरी हुई। बेटे से मिलने आए पिता जब घर लौटे तो चोरी हो चुकी थी। चोर सारा माल समेट कर चंपत हो गए। मामले में द्वारकापुरी पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है।
टीआई सतीश द्विवेदी ने बताया, सूर्यनगर में रहने वाले रत्नाकर जोशी अपने बेटे से मिलने के लिए बाहर गए थे। इस दौरान सूने घर में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया और मेन गेट को तोड़कर घर में रखे 25,000 रुपए, सोने की चेन और चांदी के कुछ आइटम ले उड़े। पुलिस बदमाशों के पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मामले में द्वारका पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। हाँ, ये सूर्यनगर का मामला है। रत्नाकर जोशी जी हैं और सूर्यनगर में रहते हैं। ये अपना मकान बंद करके और अपने बच्चे के यहाँ 4-5 दिन के लिए पिछले दिनों चले गए थे, और जब कल परसों उन्होंने जब घर आए तो उन्होंने देखा कि उनके जो मेन गेट का दरवाज़ा टूटा हुआ था और अंदर से करीब 25,000 रुपये नगद, एक सोने की चैन और कुछ चांदी के आइटम जो है चोरी हो गए हैं, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना की जा रही है और आसपास के फुटेज वगैरह देखे जा रहे हैं। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुदकरनी, सौतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक, काले इल्मों के बेताज बादशाह, जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। और अब खबरें दे दनादन। पार्षद के नामों को लेकर जारी की गई लिस्ट को लेकर उपजे आक्रोश के बाद रविवार सुबह भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता ली। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, चुनाव में उम्मीदवार जब तय किए जाते हैं तब यह देखा जाता है कि कौन जीत सकता है, इसके लिए प्रोफेशनल एजेंसी से सर्वे भी कराते हैं। रही बात मुस्लिम फ्री बीजेपी की, तो मुस्लिमों का भी पार्टी में समर्थन है। पहले भी जिन मुस्लिम इलाकों में मुस्लिमों को टिकट नहीं मिले थे वहाँ भी हम जीते हैं। नहीं, आपने अच्छा प्रश्न किया। मैं सबका भ्रम दूर कर देता हूँ कि चुनाव में जो उम्मीदवार जब तय किए जाते हैं तो ये देखा जाता है कि कौन जीत सकता है, तो विनिंग कैंडिडेट कौन है। हम लोगों के कार्यकर्ताओं के से भी पूछते हैं, हम आजकल प्रोफेशनल एजेंसीज़ के माध्यम से भी हम सर्वे करवाते हैं, तो एक जो जैसा मत आया जहाँ से उसको हमने समावेश किया है। और मुस्लिम समाज हमारा काफ़ी समर्थन करता है, और आप देखेंगे कि मुस्लिम वार्ड में भी जहां हमने भले ही मुस्लिम को टिकट नहीं दिया पर वहां पर हम जीतेंगे। एरोडम थाना क्षेत्र में रहने वाले अतुल जैन के सूने मकान में चोरी की वारदात हो गई। अतुल मैकेनिक का काम करता है, सुबह वह काम पर गया था, लौटा तो घर का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो उसकी माँ की सोने की चेन, चांदी के सिक्के और कुछ नकद रुपए चोरी हो चुके थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। और जब शाम को आया तो वो उसका दरवाजा टूटा हुआ था, दरवाजा पुराना था, ज़्यादा पुराना था, धक्का दिया उससे टूट गया, मतलब खुल गया। वो बता रहा कि मेरी मम्मी की जो है पुरानी, करीब 30-40 साल पुरानी टूटी फूटी एक चेन थी, बोले चांदी के सिक्के थे अंदर और कुछ नकद रुपए थे। आसपास खंगाल रहे हैं, वहाँ आसपास तो घटना सरकत नहीं, दूर दूर से देख रहे हैं कहीं कोई आया हो, दिन की घटना है ये। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।